मतलब आपने यूपी का दौरा किया तो क्या समझ लेंगे क्या लगा? सबसे पहले तो मुंबई के हमारे जो होकस के कार्यकर्ता है उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुंबई के जो हमारे होकर्स यूनिट के अलग अलग जिले में अलग अलग वार्ड में बहुत सारे कार्यकर्ता है जो मुंबई के लिए होकर्स के लिए काम करते हैं और वाकई में होकर्स को जो मजबूती देने का काम उसको संरक्षण देने का काम वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने संरक्षण देने के लिए होकर्स को संरक्षण देने के लिए कायदा कानून भी बनाया और हमें खुशी है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी हमारी तरह होकर्स थे। और अगर जो दिल में तमन्ना है ईमानदारी से काम करना है तो आदमी जो सादा आदमी भी ऊपर तक पहुंच सकता है एक नमूना है। हिंदुस्तान में इतनी पार्टियां हैं हर पार्टी का कोई न कोई माँ बाप है, किसी का बेटा लड़ रहा है, किसी का परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का काम करती है। लेकिन उसको काम करना चाहिए, वो ईमानदारी से काम करता है तो वो बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है, इसका नमूना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। वो क्या बेचते और साधारण परिवार से आते और आज वो प्रधानमंत्री बने और उनको पूरा मालूम है कि किस तरह लोगों की समस्या है, उसकी पूरी जमीन से जुड़े हुए हैं वो और उनकी पूरी समस्या की मालूम है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के होकर्स यूनिट के तमाम कार्यकर्ते ये काम में लगे हुए हैं। जो मुंबई में बैठे हैं वो सारे लोगों को जो होकर्स है आज मुंबई शहर में करीब करीब जो भी होकर्स है उसमें 50% होकर्स उत्तर प्रदेश के हैं और उन तमाम लोगों को मिलके उनको बोलता आप जाइए अपने गांव के अंदर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है क्योंकि यूपी का विकास करना है। यूपी भी एक भारत का एक हिस्सा है और यूपी को विकास करना मतलब भारत का विकास करना है और विकास की गंगा वहाँ बह रही है और उस गंगा को और मजबूत करने के लिए आप वहाँ गाँव में जाइए और गाँव में आपके जो लोग हैं उनको आप संपर्क करें। संपर्क करने के बाद जो है उनको आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए वोट करना है भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है उत्तर प्रदेश का, भारत का, इसलिए उसको सपोर्ट करना है। और इसके लिए बहुत जल्दी मुंबई में नगर महापालिका चुनाव होने वाला है, आज के तारीख में उससे भी महत्व का चुनाव इस देश के लिए उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे हिंदुस्तान को नक्शा दिखाएगी, पूरी वर्ल्ड की नज़र आज उत्तर प्रदेश पे है, क्योंकि इतना विकास पहले कभी भी नहीं हुआ है। जितना विकास योगी जी के राज्य में हुआ है इतना विकास कभी भी कोई भी राज्य में हुआ नहीं है। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ आज बहुत सारी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी होकर्स यूनिट की सब गांव-गांव में जाके प्रचार का काम कर रही है, खटिए पे बैठ के लोगों को बुला के वहाँ के लोग जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है गांव के कार्यकर्ता है उनके साथ मिलके ये कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। और मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो मेहनत है भारतीय जनता पार्टी होकर्स की जो यूनिट की जो मेहनत है और वो रंग जरूर लाएगी, ऐसा मेरा मानना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता न कोई किसी का खाते है, खुद का पैसा खर्चा करके वहाँ जाके काम कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी होकर सुनने की ताकत है और वो ताकत जो है उसके वजह से लोग जो है उनके साथ आ रहे, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है घर गांव से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी होकर्स के कार्यकर्ते जो है मुंबई में आज यहाँ रोजगार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, परिवार को संरक्षण दे रहे, ये तमाम लोग वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते पूरे ईमानदारी के साथ प्रचार करते और वो उनका जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी और आने वाला जो टाइम है भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बार वहाँ सत्ता में बैठेगी भारतीय जनता पार्टी और वहाँ हमारा जो भगवा झंडा है कमल का फूल है वहाँ विधानसभा के अंदर योगी जी के नेतृत्व में वापस दोबारा
वहाँ हमारी सत्ता प्राप्त होगी। एक सवाल है, शिवाजी नगर गोंडी एक सौ छत्तीस वार्ड में एक शौचालय बना था, तो बीएमसी को ने उसमें 70 लाख के फंड में शौचालय के उद्घाटन 15 दिन के बाद पूरे शौचालय लीकेज है, तो उस पर क्या लगता है बीजेपी या नगर सेवक का क्या है? देखो वहाँ जो शौचालय बना है आप बोल रहे बना है, तो उसमें क्या प्रोविजन रखा है, किस तरह का वहाँ काम किया गया है, वो देखेंगे तो ही हम बता सकेंगे। ऐसा ही बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर जो उसको लीकेज है, कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को समस्या है, तो कॉरपोरेशन का काम है। ये पैसा जो है लोगों का पैसा है, जनता का खून पसीना का पैसा है, तो वो पैसे से अगर जो बराबर काम नहीं हुआ होगा तो वापस काम करने की आवश्यकता है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। जरूर पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ आंदोलन भी करेगी, चाहे हमारा भी नगर सेवक होगा या किसी का भी होगा, लेकिन गलत काम हम चलने नहीं देंगे, ये हमारा मानना है। जितेंद्र जी आए हुए हैं, जो यहाँ जिले के अध्यक्ष है, ये हमारे पायगुनी जी है, एक जिले के महामंत्री जी है, और उनसे भी मैं बात कर, वो भी जो है यही काम में लगे हुए, वो भी दो तो पूरा 300 के ऊपरी पूरा कमल खिलेगी उत्तर प्रदेश में, जैसे योगी महाराज और अपने आदरणीय मोदी जी का जैसा काम है, पूरी जनता देख रहे, ऑपोजिशन वाले भी देख रहे हैं कि मोदी जी का काम, लेकिन वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, इसलिए मोदी जी का कुछ भी वक्ते हैं। लेकिन आज यूपी में प्रियंका गांधी के जो लड़की हो लड़ सकती है, जो मुद्दा चल रहा है उसके लिए क्या उसका क्या जवाब? ये नहीं है, पूरी हिंदुस्तान की जनता को मालूम पड़ गया है कि कौन आते हैं। मोदी जी 7 साल के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिए हैं मोदी जी, पूरा जनता देख रही है कौन आदमी काम कर रहा है, कौन नहीं किया है, समझा ना। इसके आगे अगर मोदी जी और योगी महाराज कि आज उत्तर प्रदेश में कोई झाट पात नहीं चल रहा है, आपको बताओ पिछले टाइम पे 7% वोट जो है, 100 में से 7% वोट जो है बीजेपी को मुस्लिम लोगों ने दिया था, लेकिन आज का जो वातावरण है वो वातावरण 7% से और 30% तक पहुंच गया है, और आते आते और कितना बढ़ेगा वो मालूम नहीं है। हर एक महिला चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई बंधु की पार्टी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग जो है, अभी कोई एक ही बात है, वहाँ एक ही बात चल रही है, बीजेपी और विकास, और विकास सिर्फ बीजेपी ही कर पाई है। महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और मुंबई से लोगों यूपी के लोगों को इस तरह कॉन्टेक्ट करके क्या उनको संदेश दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के होकर श्रेणींचे आमचे पदाधिकारी कामाला ॲक्च्युअली लागलेले, इथे जे काही धंदा पाणी करण्यासाठी आलेले हे सुद्धा लोक यूपीला गेलेले आहेत काही, त्यांच्याशी आम्ही बोललेलो आहे, सगळ्या आमच्या मीटिंगी झाल्या, ते यूपीला जाऊन त्यांनी आपल्या तिथल्या स्थानिक लोकांचे संपर्क साधून की योगी सरकार चांगल्या प्रकारे काम करत आहे, आणि नरेंद्र मोदीजी आल्यापासून त्यांनी बऱ्याच चांगल्या चांगल्या योजना या देशामध्ये राबवल्या, यूपीचा विकास झालेला आहे, की यूपीमध्ये पुन्हा योगी सरकार यावं आणि त्या ठिकाणी चांगले उद्योगधंदे चांगला उत्तर प्रदेशचा विकास झाला तर आम्हाला मुंबईला येण्याची गरज पडणार नाही, अशामुळे त्यांनी या ठिकाणी आमचे बरेच कार्यकर्ते त्या ठिकाणी यूपीला गेलेले आहेत, काही त्या ठिकाणी चांगल्या संघटना त्यांनी बांधलेल्या आहेत, युनियन तयार केलेल्या आहेत, आणि त्या ठिकाणी त्यांचं चांगल्या प्रकारे काम चालू आहे। सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना आम्ही त्यांचा त्या प्रकारे आमच्या बाबूबाईंनी सूचना दिलेल्या आहेत, आणि त्या प्रकारे आपल्या पद्धतीने ते कामं करत आहेत, कारण त्यांना पुन्हा योगी सरकार पाहिजे।